पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पर आरोपों के बौछार हैं। समाजवादी पार्टी ने भी पूरी तरह से इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष पर हमला बोला है। हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद और वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह जी, हम उनसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं सर इस पूरे मामले को? देखिए, जब शासन और सत्ता का टूल बन जाएंगे अधिकारी, चाहे वो प्रशासनिक हो या पुलिस के अधिकारी, टूल बन करके काम करेंगे तो आरोप तो उन पे लगेगा ही। तो ऐसी परिस्थिति में वो अपनी कार्यशैली को ठीक करें और किसी के इशारे पर काम न करें तो उन पर आरोप नहीं लगेगा। जी, उत्तर प्रदेश उपचुनाव भी है, 9 सीटों पर वोटिंग होगी। सवाल यहाँ पर यह है कि मझवा सीट की बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या कुछ तैयारी वहाँ पर चल रही है? देखिए, हम लोग संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार कई महीनों से काम कर रहे हैं। हमने वहाँ पर एक ऐसा प्रत्याशी उतारा है कि जो पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है पेशे से, और एक वर्ग को और उसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के अभियान को वो मजबूत कर रही है। तो ऐसे में मुझे पूरा भरोसा है कि हम जिन तबकों की आवाज़ कभी जिले तक नहीं पहुंच पाती थी, जिनकी कठिनाइयों को समझना आज के ज़माने में भी कठिन था, उस विशेष वर्ग से जब प्रतिनिधि चुन करके जाएगा तो उनकी आवाज़ बन करके प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में वो रखेगी और उनको न्याय दिलाने की कोशिश करेगी। अब जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, उसी सीट से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल बड़े नेता संजय निषाद वहां से टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला है। अब उनको लेकर पोस्टर लग रहे हैं, खेवनहार बताया जा रहा है। 2027 के लिए उनकी भूमिका बेहद अहम बताई जा रही है। लेकिन एक सवाल और भी है कि उन पर उन्हीं के पार्टी कार्यकर्ता ने पैसे लेकर टिकट से समझौता करने का आरोप लगाया है। आपसे हमारा सीधा सवाल है कि क्या आने वाले समय में आप अगर वो पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि आपके पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हैं? देखिए, जहाँ तक संजय निषाद का सवाल है, उनको पहली बार यदि सदन का दर्शन किसी ने कराया तो वो दर्शन कराने वाली समाजवादी पार्टी है। आज सत्ता के कारण कहीं और चले गए हैं, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से हमारे पीडीए के घटक हैं, उनकी विचारधारा हमसे मिलती है। वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये उनका निर्णय है, और उनको पार्टी लेगी अपने साथ ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है। हम कार्यकर्ताओं को अच्छा लगेगा कि यदि संजय निषाद हमारे दल के साथ जुड़ेंगे। एक अंतिम सवाल, बटोगे तो कटोगे, ये नारा उत्तर प्रदेश से लेकर अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए, हम लोगों ने तो स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पीडीए समाज के लोग, जिनको अभी तक अधिकार नहीं मिल पाया है, जिनको इस देश के संसाधनों में भागीदारी भी नहीं नसीब हो पाई है, जाति जनगणना के बारे में सरकार कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है, तो हम तो खुद कहेंगे पीडीओ के साथियों के लिए, यदि आप बटोगे तो आपकी हिस्सेदारी छीन लेंगे, यदि आप बटोगे तो आरक्षण छीन लेंगे आपका, तो सावधान हो जाएं ऐसे लोगों से, और उन्हीं का नारा का उपयोग अपने को मजबूत करने की दिशा में काम करें। उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर आप अकेले लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अभी भी वो बड़े भाई की भूमिका में है उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश हो चाहे देश में हो, राष्ट्रीय पार्टी तो है ही है, हम कहाँ इसे मना कर रहे हैं, लेकिन उनका जितना सहयोग होगा हम लोग तहे दल से स्वीकार करेंगे उत्तर प्रदेश में।
शुक्रिया बातचीत के लिए। तो तमाम विषयों पर समाजवादी पार्टी नेता बीरेन सिंह ने बेबाकी से बातचीत की। एबीपी न्यूज के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.